हाँ तो भाई, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ टॉप 4 ऑलराउंडर स्मार्टफोन्स अंडर 9000। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूँ कि अगर आपका बजट 10,000 रुपये के आसपास का है और आप यहाँ पर एक परफेक्ट स्मार्टफोन लेना चाहते हैं, तो वो कौन सा स्मार्टफोन होगा जो कि आप परचेस करना पसंद करेंगे, प्लीज़ कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। भाई आज हम यहाँ पर जिन 4 स्मार्टफोन्स के बारे में बात करने वाले हैं, इनकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में तो हम बात करेंगे ही, साथ ही में इन सभी स्मार्टफोन्स के प्रोज और कॉन्स के बारे में भी हम बात करने वाले हैं, जिससे दोस्तों आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप एक परफेक्ट स्मार्टफोन यहाँ पर सिलेक्ट कर पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी हेल्पफुल होगी, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम और गैजेट न्यूज हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने यहाँ पर इन सभी स्मार्टफोन्स को रैंक किया हुआ है परफॉर्मेंस और फीचर्स के हिसाब से। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस लिस्ट को और बात करते हैं नंबर 4 की। दोस्तों नंबर 4 पर आने वाला स्मार्टफोन इस रेंज का एक काफी कमाल का फोन है और काफी लंबे समय से इस लिस्ट में बना हुआ है। दोस्तों ये फोन है यहाँ पर पोको का C31। शुरू करते हैं फोन की डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी से। तो फोन आपको यहाँ पर प्लास्टिक बिल्ड पर मिलता है, लेकिन TUV रिनलैंड सर्टिफाइड होने की वजह से बिल्ड क्वालिटी से आपको यहाँ पर शिकायत नहीं आती है। डिज़ाइन दोस्तों अपना अपना टेस्ट है, आप डिज़ाइन देख सकते हैं आपको यहाँ पर कैसा मिलता है। कुछ अदर फीचर्स की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपको रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, 3.5mm का जैक दिया गया है। फोन में आपको यहाँ पर सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर भी मिल जाते हैं। और दोस्तों ये स्मार्टफोन सपोर्ट करता है ट्रिपल कार्ड स्लॉट को, तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 4G सिम और 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात होती है। और हाँ गाइस, ये स्मार्टफोन थोड़ा सा पुराना है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा पुराना यूज़र इंटरफेस मिलता है। एंड्रॉइड 10 बेस MIUI 12 पर ये स्मार्टफोन आपको मिलेगा, तो हल्के फुल्के ब्रॉडवेयर ऐप और ऐड आपको मिलते हैं, लेकिन फोन की सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस अच्छी है, तो वहाँ पर आपको कोई खास शिकायत नहीं आती। चलिए अब बात कर लेते हैं फ़ोन के कुछ मेन फीचर्स के बारे में। तो दोस्तों ये फ़ोन आपको मिलता है 6.53 इंचेस की HD+ वाली IPS LCD डिस्प्ले के साथ में। डिस्प्ले को प्रोटेक्ट करने के लिए लगभग आपको यहाँ पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की तरह प्रोटेक्शन मिल जाती है। यहाँ पर आपको पैंडा ग्लास का सपोर्ट दिया गया है। और हाँ दोस्तों ये फ़ोन आता है 400 नीट्स की ब्राइटनेस के साथ में, तो यहाँ पर आपको हल्की फुल्की इश्यूज आने वाले हैं अगर आप इस फ़ोन को डायरेक्ट सनलाइट में इस्तेमाल करते हैं, जो कि दोस्तों इस बजट में एक कॉमन सी बात है। और गेमिंग की बात कर ले तो आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड 60Hz की रिफ्रेश रेट और 120Hz की टच सैम्पलिंग रेट मिल जाती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो डिस्प्ले की क्वालिटी आपको यहाँ पर डिसेंट मिल जाती है। बात कर लेते हैं कैमरास की, तो बैक साइड में आपको मिल जाते हैं 3 कैमरा, जहां पर मेन कैमरा लगा हुआ है 13 मेगापिक्सल का, 2 का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसर दिया गया है। सामने की तरफ आपको मिलता है 5 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। तो इस बजट के हिसाब से आपको यहां पर कैमरा डिसेंट मिल जाते हैं और कैमरा परफॉर्मेंस भी आपको यहां पर डिसेंट मिल जाती है। रही बात वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो आप यहां पर मैक्सिमम फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं फ्रंट और बैक कैमरा से 30fps तक। और भाई इन सभी को यहाँ पर शक्ति प्रदान करने के लिए फोन के अंदर लगा हुआ है MediaTek का हीलियो G35 चिपसेट। दोस्तों ये चिपसेट आता है 12 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन पर, लेकिन भाई यहाँ पर आपको हल्की फुल्की हीटिंग की शिकायत आती है। और हाँ दोस्तों फोन का बैटरी बैकअप आपको यहाँ पर अच्छा मिलता है। बात कर ले परफॉर्मेंस की, तो डे टू डे यूजेस में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आती है, नॉर्मल टास्क आप यहाँ पर काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। और दोस्तों ये स्मार्टफोन आपको हल्की फुल्की गेमिंग भी करा सकता है। ऑनटूटू स्कोर की बात कर ले तो लगभग आपको यहाँ पर 1,10,000 के आसपास के स्कोर मिल जाते हैं, जो कि बजट के हिसाब से देखेंगे तो डिसेंट स्कोर हैं। और इन सभी को यहाँ पर पावर देने के लिए फ़ोन के बैक साइड में लगी हुई है 5000mAh की बैटरी, जो कि आपको यहाँ पर एक दिन का बैकअप आराम से दे देती है। साथ ही में ये फ़ोन 10 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है, 10 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिल जाता है और चार्जिंग के लिए माइक्रो USB की पोर्ट मिलती है। सो ओवरऑल बैटरी मॉड्यूल भी आपको यहाँ पर डिसेंट मिल जाता है, लेकिन बैकअप फ़ोन का अच्छा है, तो वहाँ पर आपको कोई खास शिकायत नहीं आती। तो चलिए अब बात कर लेते हैं फ़ोन के कुछ प्रोज के बारे में। तो डिज़ाइन, बैटरी बैकअप और हाँ दोस्तों फ़ोन आपको यहाँ पर डे लाइट में काफ़ी अच्छी फोटोग्राफी करा देता है, तो वहाँ पर भी आपको कोई शिकायत नहीं आने वाली है। साथ ही में ये स्मार्टफोन आता है ट्रिपल कार्ड ऑप्शन के साथ में। और अगर हम कॉन्स की बात करें, तो दोस्तों फ़ोन के अंदर आपको यहाँ पर HD+ वाली डिस्प्ले मिलती है, साथ ही में आपको यहाँ पर नॉर्मल 10 वॉट की चार्जिंग और माइक्रो USB की पोर्ट दी गई है। और वैसे भी दोस्तों ये पुराना फ़ोन है, तो आपको यहाँ पर एंड्रॉइड 10 मिलता है, क्योंकि इस स्मार्टफोन का एक और डिसएडवांटेज है। लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ पर एक ऑलराउंडर टाइप का बजट रेंज में स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं, तो आप इस स्मार्टफोन को चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर कोई रफ एंड टफ टाइप का स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं, तो आप इस फोन को एक बार जरूर चेकआउट कर सकते हैं। 3 और 32 के लिए आपको देने होंगे 8,499 रुपये और 4 और 64 के लिए आपको देने होंगे 9,499 रुपये।
तो भाई आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस लिस्ट के थर्ड स्मार्टफोन के बारे में। और दोस्तों अगर आप इस बजट के अंदर आईफोन जैसा लुक चाहते हैं तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं रियलमी की तरफ से लेटेस्ट लॉन्च रियलमी C31। चलिए भाई शुरू करते हैं फोन की डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से। तो ये फोन भी आपको यहाँ पर TUV रिलेंट सर्टिफाइड मिलने वाला है। प्लास्टिक बिल्ड पर बना हुआ स्मार्टफोन है तो बिल्ड क्वालिटी से आपको यहाँ पर शिकायत नहीं आने वाली है। डिजाइन दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया आईफोन जैसा कुछ लुक आपको मिल जाएगा जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। फोन के कुछ अदर फीचर्स की बात करें तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर आपको मिल जाता है, 3.5mm का जैक दिया गया है और फोन के अंदर दोस्तों बैक फायरिंग स्पीकर मिलते हैं जो कि मुझे काफ़ी डिसअपॉइंट लगा। साथ ही में ये स्मार्टफोन यहाँ पर सपोर्ट करता है ट्रिपल कार्ड ऑप्शन को, तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 4G SIM और 1 memory card लगा सकते हैं। रही बात यूजर इंटरफेस की तो दोस्तों स्मार्टफोन को लॉन्च किया गया है एंड्रॉइड 11 बेस रियलमी UI 2.0 पर, तो हल्के फुल्के ब्लॉटवेयर ऐप और एड आपको मिलते हैं लेकिन फोन की सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस से आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आती। तो ये तो थे फोन के कुछ बेसिक फीचर्स। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं फोन के मेन फीचर्स के बारे में। दोस्तों ये फोन आता है 6.5 इंचेस की HD+ वाली IPS LCD पैनल के साथ में। साथ ही में दोस्तों Realme की तरफ से ये नहीं बताया गया कि हमें यहाँ पर कौन से टाइप का प्रोटेक्शन मिलता है, तो इसके बारे में बता पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। और हाँ दोस्तों यहाँ पर आपको 400 nits की ब्राइटनेस मिल जाती है। साथ ही में यहाँ पर भी आपको गेमिंग के लिए स्टैंडर्ड 60Hz की रिफ्रेश रेट और 120Hz की टच सैम्पलिंग रेट दी गई है। तो इस बजट के हिसाब से यहाँ पर भी आपको डिस्प्ले की क्वालिटी डिसेंट मिलती है। लेकिन अगर बात करें कैमरास की तो इस फोन के बैक साइड में आपको मिलते हैं 3 कैमरा, देखा जाए तो 2 ही है। मेन कैमरा आपको मिलता है 13 मेगापिक्सल का, 2 का मैक्रो सेंसर दिया गया है और 0.3 मेगापिक्सल का एक VGA सेंसर मिलता है डेप्थ सेंसिंग के लिए। सामने की बात कर ले भाई तो सामने आपको यहाँ पर 5 मेगापिक्सल का एक सेल्फी स्नैपर मिल जाएगा। तो कैमरा सेटअप फोन का यहाँ पर एवरेज टाइप का है लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको रियलमी की ट्यूनिंग अच्छी मिलती है जिस वजह से आपको यहाँ पर मेन कैमरा से आउटपुट अच्छे मिल जाते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात कर ले तो आप यहाँ पर फ्रंट कैमरा से HD+ की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे 30fps तक और बैक कैमरा से आप यहाँ पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे 30fps तक। हाँ तो भाई अब बात कर लेते हैं फोन के चिपसेट की। तो फोन के अंदर लगा हुआ है यूनिसॉक की तरफ से एक लेटेस्ट चिपसेट UniSoC T612 का चिपसेट। और दोस्तों ये चिपसेट लगभग आपको यहाँ पर MediaTek Helio G70 की तरह मिलता है। 12 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पर बना हुआ है तो हल्की फुल्की हीटिंग की शिकायत यहाँ पर भी आपको आती है। और भाई रही बात यहाँ पर परफॉर्मेंस की तो डे टू डे यूजेस में आपको फोन में कोई भी शिकायत नहीं आने वाली है। और हाँ दोस्तों गेमिंग की बात करें तो लगभग 2,12,000 के आसपास के AnTuTu स्कोर भी मिल जाते हैं जो कि इस बजट के हिसाब से अच्छे स्कोर हैं। तो परफॉर्मेंस और गेमिंग में आपको यहाँ पर फोन में कोई शिकायत नहीं आने वाली। और इस परफॉर्मेंस को और भी इन्हेंस करने के लिए UFS 2.2 की स्टोरेज आपको फोन के अंदर दी गई है जो कि दोस्तों रीड और राइट के साथ साथ आपको यहाँ पर ऐप लोडिंग टाइम भी फास्ट देता है, तो ये भी अच्छी बात हो जाती है। इन सभी के अलावा फोन के पावर हाउस की बात कर ले तो फोन के बैक साइड में लगी हुई है 5000mAh की बैटरी जो कि आपको यहाँ पर एक दिन का बैकअप तो काफी आराम से दे देती है। साथ ही में ये फोन भी 10W की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। 10W का चार्जर तो आपको बॉक्स के अंदर मिल जाएगा लेकिन यहाँ पर आपको micro USB की पोर्ट मिलती है, तो बैटरी मॉड्यूल मेरे हिसाब से यहाँ पर डिसेंट है। हाँ तो भाई अब बात कर लेते हैं फोन के कुछ प्रोस के बारे में। तो दोस्तों फोन के अंदर आपको UFS 2.2 की स्टोरेज मिल रही है जो कि इस बजट के हिसाब से बहुत अच्छी बात है। फोन का बैटरी बैकअप भी आपको अच्छा मिल जाता है, फोन काफी गुड लुकिंग है और भाई फोन की जो परफॉर्मेंस है वो भी आपको यहाँ पर अच्छी मिलती है। अगर फोन के कॉन्स की बात करें तो भाई कैमरा सेटअप फोन के अंदर एवरेज दिया गया है। साथ ही में यहाँ पर आपको 10W की चार्जिंग, micro USB की पोर्ट मिलती है और एंड्रॉइड 11 का सपोर्ट दिया गया है। जबकि दोस्तों ये एक लेटेस्ट स्मार्टफोन था तो यहाँ पर हमें एंड्रॉइड 12 टाइप सी वाली पोर्ट और थोड़े बेटर कैमराज यहाँ पर मिलते तो और ज़्यादा अच्छा होता। वैसे अगर आप स्मार्टफोन के प्रोस के साथ में जाना चाहें तो डेफिनेटली जा सकते हैं। 3GB रैम 32GB इनबिल्ट मेमोरी के लिए आपको देने होंगे 8,999 रुपये। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं इस लिस्ट के सेकेंड लास्ट फोन के बारे में। दोस्तों ये स्मार्टफोन एक ऑलराउंडर टाइप का स्मार्टफोन है और ये फोन आता है एक नॉन चाइनीज ब्रांड की तरफ से। दोस्तों इस स्मार्टफोन का नाम है यहाँ पर MicroMax InNote 1। जाए तो ये स्मार्टफोन काफी ज्यादा पुराना हो चुका है लेकिन अभी भी अगर आपको 10,000 रुपए के अंदर एक नॉन चाइनीज स्मार्टफोन लेना है और अच्छी गेमिंग वाला स्मार्टफोन परचेस करना है तब दोस्तों ये आपके लिए डेफिनेटली एक काफी अच्छा ऑप्शन है। तो चलिए जानते हैं यहाँ पर स्मार्टफोन के बारे में। तो ये फोन आपको प्लास्टिक बिल्ड पर ही देखने को मिलेगा लेकिन अच्छी बात है कि TUV रिनलैंड सर्टिफाइड है तो बिल्ड क्वालिटी फोन की काफी अच्छी मिलती है। और अगर हम आज से कंपेयर करेंगे यहाँ पर स्मार्टफोन के डिजाइन को तो थोड़ा सा ओके टाइप का आपको यहाँ पर डिजाइन मिल जाता है। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर फोन के कुछ अदर फीचर्स के बारे में। तो ये फोन आता है रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ में। जैसा कि दोस्तों पुराना फोन है तो अभी भी आपको यहाँ पर रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। 3.5mm का जैक मिल जाएगा और सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर आपको यहाँ पर फोन के अंदर दिए गए हैं जो कि मोनो स्पीकर हैं, तो आपको यहाँ पर ऑडियो डिसेंट टाइप की मिल जाती है।
इन फोन के अंदर आपको ट्रिपल कार्ड का स्लॉट दिया गया है, तो आप यहाँ पर एक साथ में दो 4G सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, जो कि काफी अच्छी बात हो जाती है। सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस की बात कर ले तो फोन आपको मिलता है एंड्रॉइड 11 बेस क्लियर स्टॉक एंड्रॉइड के साथ में, जहां पर आपको कोई भी ब्लॉटवेयर ऐप और एड वगैरह नहीं मिलते हैं। फोन का सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस आपको यहां पर नीट और क्लीन मिलेगा और इसकी वजह से आपको यहां पर परफॉर्मेंस भी थोड़ी सी बेटर मिलती है। तो चलिए जानते हैं अब यहां पर फोन के मेन फीचर्स के बारे में। तो ये फोन आता है यहां पर 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस वाली IPS LCD पैनल के साथ में, जहां पर आपको कलर्स और ब्राइटनेस वगैरह काफी अच्छी दी गई है। 450 नीट्स की आपको यहां पर ब्राइटनेस मिल जाती है, तो आउटडोर वगैरह में आपको यहां पर फोन इस्तेमाल करने में कोई भी दिक्कत नहीं आती है और फोन के अंदर आपको किसी चाइनीज ग्लास का प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। सो ओवरऑल आपको यहां पर कंटेंट वॉच करने के लिए डिस्प्ले काफी अच्छी मिल जाती है। हालांकि जहां बात आती है गेमिंग की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया पुराना स्मार्टफोन है, तो आपको यहां पर नॉर्मल 60Hz की रिफ्रेश रेट मिलती है और 120Hz की आपको टच सैम्पलिंग रेट दी गई है। तो गेमिंग के लिए आपको अभी के हिसाब से देखेंगे तो डिस्प्ले आपको यहां पर ठीक मिल जाती है। और अब बात कर लेते हैं फोन की परफॉर्मेंस के बारे में। तो फोन के अंदर लगा हुआ है MediaTek Helio G85 का चिपसेट, क्योंकि इस बजट का वन ऑफ द बेस्ट चिपसेट है। और हाँ दोस्तों, ये बना हुआ है 12 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पर, तो आपको यहाँ पर थोड़ी मोड़ी हीटिंग वगैरह की दिक्कत आती है, लेकिन आपको यहाँ पर ओवरहीटिंग की प्रॉब्लम नहीं मिलने वाली है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और हाँ दोस्तों, अगर हम बात कर ले परफॉर्मेंस की, तो डे टू डे यूजेस आप यहाँ पर काफ़ी आसानी से कर सकते हैं, जैसे कि WhatsApp, Facebook या फिर YouTube वगैरह जो भी चलाना है वो आप यहाँ पर काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। और गेमिंग की बात कर लें तो गेमिंग के लिए आपको मिलता है आम माली G57 MC2 का एक 2 कोर का GPU, जो कि आपको इस प्राइस के अकॉर्डिंग डिसेंट लेवल की गेमिंग भी करा सकता है। और अगर अंतिम स्कोर की बात कर लें तो लगभग आपको यहाँ पर 205,000 के आसपास के स्कोर मिल जाते हैं, जो कि प्राइस के अकॉर्डिंग एक अच्छे स्कोर हैं। तो परफॉर्मेंस और गेमिंग वगैरह आप यहाँ पर डिसेंट टाइप की कर सकते हैं। फोन के बैक लुक की बात कर ले तो बैक साइड में रेक्टेंगुलर डिजाइनिंग के साथ में आपको मिल जाते हैं 4 कैमरा, जहां पर मेन कैमरा मिलता है 48 मेगापिक्सल का, जो कि आता है सैमसंग की तरफ से, और 5 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड लेंस मिल जाता है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसर दिया गया है। तो देखा जाए तो कंप्लीट सेटअप आपको यहां पर मिल जाता है, जो कि काफी अच्छी बात है। और हाँ दोस्तों, आपको सेल्फी के लिए मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेंसर सामने की तरफ। फोन का जो कैमरा सेटअप है वो आपको यहाँ पर काफी अच्छा मिल जाता है और पहले के मुकाबले आपको यहाँ पर काफी अच्छी इमेजेस भी देखने को मिल जाती हैं, तो कैमरा परफॉर्मेंस से आपको फोन में कोई इशू नहीं आने वाले। और हाँ दोस्तों, अगर आप यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग के शौकीन हैं, तो आपको यहाँ पर मैक्सिमम फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाएगा 30 FPS तक, जो कि इस प्राइस के हिसाब से अच्छे हैं। तो कैमरा वाइज फोन में आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। और इन सभी को पावर देने के लिए फोन के बैक साइड में लगी हुई है 5000mAh की बैटरी, जो कि आपको यहाँ पर एक दिन का बैकअप काफी आराम से दे देती है, अगर आप यहाँ पर एक नॉर्मल यूजर हैं। और साथ ही में ये स्मार्टफोन सपोर्ट करता है 18 वोल्ट की चार्जिंग को, जहाँ पर आपको चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट भी मिल जाती है। तो फोन का जो बैटरी मॉड्यूल है ये भी आपको यहाँ पर अच्छा दिया गया है। रही बात फोन के प्रोस की, तो फोन के अंदर आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस, स्टॉक UI, अच्छी क्वालिटी की डिस्प्ले दी गई है और मेड इन इंडिया स्मार्टफोन होने के साथ साथ यहाँ पर आपको कैमरास भी अच्छे दिए गए हैं। अगर कॉन्स की बात करें तो यहाँ पर आपको थोड़े से बैटरी ड्रेन के इशू आते हैं, और हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको कौन से टाइप का प्रोटेक्शन दिया गया ये भी कन्फर्म नहीं किया गया है। सो अगर आपको यहाँ पर स्मार्टफोन के प्रोस पसंद आए तो डेफिनेटली आप इस फोन के साथ में जा सकते हैं। 4GB रैम 64GB इनबिल्ट मेमोरी के लिए आपको देने होंगे 9,499 रुपये। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग काफी ज्यादा फ्लक्चुएट होती रहती है, कभी ऊपर तो कभी नीचे आपको देखने को मिल जाएगी, तो आप चेक करते रहिएगा दोस्तों, 9,500 रुपये की प्राइस पर मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस बजट में एक अच्छा गेमिंग स्मार्टफोन ढूंढ रहे होंगे, तो दोस्तों मेरे हिसाब से आप सभी के लिए यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, हालांकि थोड़ा सा महंगा होने वाला है, तो आपको बजट बढ़ाना पड़ सकता है। दोस्तों ये फोन है यहाँ पर रेडमी की तरफ से लेटेस्ट लॉन्च Redmi 10। तो चलिए जानते हैं कि इस स्मार्टफोन के अंदर आपको क्या कुछ दिया गया है। पहले बात कर लेते हैं फोन की बिल्ड क्वालिटी की, तो ये फोन भी आपको यहाँ पर प्लास्टिक बिल्ड पर मिलता है, साथ ही में TUV रिनलैंड सर्टिफाइड है, तो बिल्ड क्वालिटी से आपको यहाँ पर शिकायत नहीं आएगी। रही बात डिजाइन की दोस्तों, तो डिजाइन अपना अपना टेस्ट होता है, आप देख सकते हैं, हो सकता है कि आपको ये डिजाइन पसंद आए, हो सकता है कि आपको ये डिजाइन ना भी पसंद आए। और हाँ दोस्तों, ये फोन हल्का फुल्का यहाँ पर पानी भी झेल सकता है, जो कि इस स्मार्टफोन की एक और अच्छी बात है। रही बात फोन के कुछ अदर फीचर्स की, तो आपको यहाँ पर रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, सिंगल स्पीकर्स आपको फोन के अंदर मिल जाते हैं। और हाँ गाइस, ये फोन आता है ट्रिपल कार्ड ऑप्शन के साथ में, तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 4G सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। रही बात फोन के यूजर इंटरफेस की, तो इस स्मार्टफोन को लॉन्च किया गया है एंड्रॉइड 11 बेस MIUI 13 पर। तो देखा जाए दोस्तों, तो MIUI 13 स्टेबल हो चुका है, बग फ्री हो चुका है, तो आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस अच्छी मिलती है, सॉफ्टवेयर से भी आपको यहाँ पर कोई खास शिकायत नहीं आती।
So, दोस्तों ये तो हुए स्मार्टफोन के कुछ बेसिक फीचर्स। अब बात कर लेते हैं फोन के मेन फीचर्स के बारे में। इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.7 इंचेस की बड़ी सी HD प्लस वाली IPS LCD डिस्प्ले। जी हाँ दोस्तों, इस बार आपको यहाँ पर HD प्लस की डिस्प्ले मिलती है, लेकिन डिस्प्ले की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। साथ ही में आपको यहाँ पर 500 नीट्स की ब्राइटनेस का सपोर्ट मिल जाता है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन दिया गया है, ये भी अच्छी बात है। और साथ ही में दोस्तों फोन के अंदर आपको यहाँ पर वाइड वाइन L1 का सपोर्ट मिल जाता है, तो आप ऑनलाइन कॉन्टेंट वगैरह भी स्ट्रीम कर सकते हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। रही बात गेमिंग की, तो आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड 60 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट मिल जाती है, साथ ही में 120 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट का सपोर्ट दिया गया है। तो ओवरऑल दोस्तों डिस्प्ले आपको यहाँ पर कंटेंट वगैरह वॉच करने के लिए डिसेंट मिलती है। बात कर लेते हैं अब यहाँ पर फोन के कैमरास के बारे में। फोन के बैक में लगे हुए हैं दो कैमरा, जहां पर मेन कैमरा आपको मिल जाता है 50 मेगापिक्सल का, 2 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर डेप्थ सेंसर मिल जाता है। सामने की बात कर ले तो सामने आपको दिया गया है 5 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। जी हाँ दोस्तों, इस स्मार्टफोन का जो कैमरा सेटअप है वो आपको यहाँ पर एवरेज मिलता है, और कैमरा यहाँ पर एवरेज परफॉर्म भी करता है, तो कैमरा से आप यहाँ पर उतना ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। रही बात वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो आप यहाँ पर मैक्सिमम फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे फ्रंट और बैक कैमरा से 30 FPS तक। इन सभी को चलाने के लिए फोन के अंदर लगा हुआ है Qualcomm Snapdragon 680 का चिपसेट। जी हाँ दोस्तों, ये चिपसेट 6 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन पर बना हुआ है, तो आपको यहाँ पर हीटिंग वगैरह की शिकायतें बहुत कम आती हैं। साथ ही में बैटरी बैकअप भी आपको फोन का काफी अच्छा मिल जाता है। रही बात दोस्तों परफॉर्मेंस की, तो डे टू डे टास्क आप यहाँ पर काफी ईजिली कर सकते हैं। इसके अलावा गेमिंग की बात कर लें तो लगभग आपको यहाँ पर 2.5 से 3.25 लाख के आसपास के स्कोर मिलते हैं, जो कि इस बजट के हिसाब से बहुत अच्छे स्कोर हैं। तो परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छी मिल जाती है। रही बात गेमिंग की, तो वो भी आप यहाँ पर डिसेंट लेवल की काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। फोन की परफॉर्मेंस को और भी ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए फोन के अंदर UFS 2.2 वाली स्टोरेज दी गई है, जिससे आपको यहाँ पर एप्स लोडिंग टाइम भी फास्ट मिलते हैं और रीड राइट की स्पीड भी आपको यहाँ पर अच्छी मिल जाती है। तो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस के हिसाब से ये स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा है। रही बात फोन के पावर हाउस की, तो फोन के बैक साइड में लगा हुआ है 6000 mAh का बैटरा, जो कि आपको यहाँ पर 1 से 1.5 दिन का बैकअप बहुत आराम से देता है। साथ ही में आपको यहाँ पर 18 वाट की चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिल जाता है, चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट मिल जाती है। तो फोन का बैटरी मॉड्यूल आपको यहाँ पर अच्छा दिया गया है। चलिए अब बात कर लेते हैं फोन के प्रोस की, तो दोस्तों इस बजट के हिसाब से आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी मिलती है। वाइड वाइन L1 का सपोर्ट आपको यहाँ पर मिल जाता है। साथ ही में दोस्तों स्मार्टफोन का जो बैटरी मॉड्यूल है ये भी आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा दिया गया है। लेकिन अगर कॉन्स की बात की जाए, तो बड़ी डिस्प्ले तो दी गई है लेकिन HD प्लस के साथ में आती है। साथ ही में दोस्तों फोन का जो कैमरा है वो भी एवरेज टाइप का है। और हाँ दोस्तों, ये जो स्मार्टफोन है ये रिसेंटली लॉन्च किया गया है, तो यहाँ पर एंड्रॉयड 12 होना चाहिए था, लेकिन इस स्मार्टफोन के अंदर हमें एंड्रॉयड 11 देखने को मिलता है। सो दोस्तों ये थे स्मार्टफोन के कुछ कॉन्स, लेकिन अगर आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड स्मार्टफोन लेना हो तो आप इस स्मार्टफोन को एक बार जरूर देख सकते हैं। दोस्तों 4GB रैम 64GB इनबिल्ट मेमोरी के लिए आपको देने होंगे लगभग 11,000 रुपये, लेकिन अगर आप बैंक ऑफर अप्लाई कर देते हैं तो ये फोन आपको लगभग 10,000 रुपये की प्राइस पर मिलेगा। और 10,000 रुपये के हिसाब से डेफिनेटली दोस्तों प्रोसेसर काफ़ी तगड़ा है, साथ में आपको यहाँ पर बड़ी डिस्प्ले मिलती है, बड़ी बैटरी आपको मिल जाती है और बैकअप भी फ़ोन का काफ़ी अच्छा है। तो अगर आप चाहें तो इस फ़ोन को यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों इसे इस लिस्ट में हमने इसीलिए रखा था क्योंकि हम आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन बताना चाहते थे। तो फ्रेंड्स, आपको ये ऑप्शन पसंद आया या फिर नहीं, मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।